चलो ठीक है, इटरेशन मेथड था ना, शांत रहो, हल्ला शांत। कौन मेथड था? इटरेशन मेथड था। इटरेशन में दो गो, एगो जैकोबी एगो सीडल, ठीक है ना। तो वर्किंग रूल पहले बताते हैं कि वर्किंग रूल क्या है इस मेथड का, जैकोबी का वर्किंग रूल, जिसका थोड़ा जरूरी है पढ़ना ताकि बाद में कंफ्यूजन होगा तो वर्किंग रूल ही काम देगा। गॉस जैकोबी मेथड, गॉस लिखते जाना है, गॉस जैकोबी मेथड, ठीक है ना। मान रहे हैं कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। मान रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरा क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। मान लिए कि ये मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। रुको, अब लिखना। इसके लिए कंडीशन है कि कब सवाल को जैकोबी से सॉल्व किया जाए, कब एलिमिनेशन से, इसके बारे में चर्चा यदि नहीं किया है तो। यदि क्वेश्चन में नहीं कहा है गॉस एलिमिनेशन कीजिए, किससे कीजिए, तो क्वेश्चन को जैकोबी या सीडल से कब करेंगे, दोनों में लगी कंडीशन। इसके लिए कंडीशन है, इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ ए वन ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों के जोड़ का मॉडुलस, मॉडुलस होगा ना। इस कंडीशन को, तीन को कंडीशन एक ही नहीं, इसके लिए हो गया। दूसरे के लिए कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ बी टू ग्रेटर देन होना चाहिए मॉडुलस ऑफ ए टू प्लस मॉडुलस ऑफ सी टू, यही कंडीशन है। तीसरा के लिए है मॉडुलस ऑफ सी थ्री ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ ए थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ बी थ्री, ये है रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन कि प्रॉब्लम को जैकोबी मेथड से कब सॉल्व करेंगे। यदि वो प्रॉब्लम जो दिया है इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही उसको जैकोबी सॉल्व करेंगे, और यही कंडीशन सीरियल में भी है। सीरियल तब सॉल्व करेंगे जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब लिखो, अब चलो लिखिए देते हैं तब लिखना। पहले क्या करते हैं ना, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक्स वाई जेड, इससे एक्स का मान निकालेंगे, इससे वाई का मान निकालेंगे, इससे जेड का मान निकालेंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस फॉर एक्स वाई एंड जेड। पहले क्या करना है, इस दिए हुए इक्वेशन को एक्स वाई और जेड के लिए सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड के लिए। यही बात करना है सीरियल में भी। एक्स का मान देखो, यहाँ से एक्स का मान निकालना है, इसको रहने दिए ना, उपाय वोट सबने मानना है। यहाँ से एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। बड़ा क्या होगा, ए वन एक्स बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो डी वन पहले समझ लेना है माइनस बी वन वाई, नहीं तो फिर कहेगा कैसे हुआ, अब बट्टा में चला आ जाएगा ई वन बाय ए वन। यहाँ से y का मान निकालना है, y बराबर इन दोनों को उधर भेजेंगे, क्या होगा, d2 टू माइनस ए टू एक्स माइनस सी टू जेड इन टू ई वन बाय बी टू। यहाँ से z का मान निकालेंगे, z बराबर d3 z का मान निकालना है, दोनों को भेजेंगे माइनस ए थ्री एक्स माइनस बी थ्री वाई, अब बटे z का कोफिशेंट वन बाय सी थ्री। एक्स वाई जेड का हम लोग क्या किए, मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये तो मतलब ऐसे निकला है, इसमें तो एक्स का वाई का इस फॉर्म में है, तो जब तक एक्स का मान कैसे निकालेंगे, जब तक वाई और जेड का मान नहीं होगा पता तब तक हम लोग एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इटरेटिव फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट इटरेटिव में पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो,
इसमें और सीडल में जो पढ़ाएंगे यहाँ तक सेम बात है दोनों में। ये हम पढ़ रहे हैं गॉस जेकोबी का वर्किंग रूल कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सवाल अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जेकोबी और इटरेस अथी सीडल में यहाँ तक सेम काम करना है। फर्स्ट इटरेशन क्या करते हैं, जैसे जेकोबी है ना एक्स वाई जेड तीनों को रखेंगे जीरो के बराबर, अब फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन सीरियल में क्या होता है, सिर्फ दो को रखते हैं जीरो, तीसरा का मान नहीं रखते हैं जीरो, दो को जीरो रख करके तीसरा का मान निकाल लेते हैं, वो जाएंगे वहाँ तक बताएंगे। यहाँ क्या करना है, यहाँ से एक्स का मान निकालना है, यहाँ से वाई का, यहाँ जेड का। एक्स का मान यहाँ तब निकलेगा जब वाई जेड को रखेंगे जीरो, वाई का मान तब निकलेगा जब एक्स जेड को रखेंगे हम लोग जीरो, जेड का मान तब निकलेगा जब एक्स वाई रखेंगे जीरो। तो ऐसा कर कर करके ठीक है ना, ये मान पुट करना है इनटू इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं। मान लिए ये समीकरण है मेरा एक, ये है दो, ये है तीन, इंटू इक्वेशन वन टू एंड थ्री, तीनों में रखेंगे वाई और जेड को रखेंगे जीरो, और वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एज, किसका किसका मान निकलेगा, वाई जेड जीरो करेंगे एक्स का मान निकलेगा, यानी कि यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बोल देंगे एक्स वन है, यहाँ से एक्स जेड को रखेंगे तो वाई का कुछ मान निकलेगा, बोलेंगे ये वाई वन है, और किसका मान निकलेगा, जेड वन का मान निकलेगा। फिर जो मेरे पास एक्स वन जेड वन है सेकंड डेरिवेटिव रूट में, इसमें पुट करेंगे फिर एक्स टू वाई टू जेड टू, फिर उसको पुट करेंगे, इसी प्रकार फिर दोहराते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि किसी तीनों जो है एक्स का एक, चलो बाद में देखेंगे, पहले तक नोट करो, वही कंडीशन है यहाँ भी है, उसमें जैसे नया निकलता धरते हैं, लिखो इसको पहले, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा दोनों में, यहाँ तक लिखो इसको मिटाएंगे फिर आगे तब। अरे दुकान में सौदा रहेगा तो आज न कल बिकबे करेगा, चाहे बढ़िया भाव बिके कम भाव बिके, बिकबे करेगा, पढ़बे करेगा, तब फिर तम से पूछो भावना को। चलो लिख लिया, मिटा दें, पेन लेगा, इधर वाला हो गया है, ये वाला होगा तो कहना पूरा नहीं देंगे, इसे मिटा करके पूरा कर देंगे, क्योंकि मीटर हाँ वही, क्योंकि इसका मीटर बढ़ रहा है। यहाँ तक तो दोनों में सेम ही है, इक्वेशन तीन तक सीडल में और जेकोबी में, थोड़ा थोड़ा सा का नहीं। देखो ना सिलेबस में सब चीज सही है, सेम है, सब उसमें आपने माना पड़ा था, सब है यहाँ तक सेम है, तीनों को हम लोग को पढ़ना है, पिछला बार भी तीनों को था, यानी कि ये दो दो बार सिलेबस ने पूरा ना सोचा, ये बार जिसको दो बार डाल देते जाती पढ़ेगा, एक बार में नहीं होता है, दो बार उस बार तो था गोजोन हो सकता है, कहां लेकिन ये लोग को नहीं था, हाँ ये लोग को कहाँ हम पढ़ाए थे, था ही नहीं इसीलिए नहीं पढ़ाए होंगे, वही चीज ना पढ़े हैं हम लोग नहीं। यहाँ देखो सिलेबस में क्या लिखा है, इटरेटिव मेथड गॉस सीडल एंड जेकोबी है, कहीं है नहीं, दो और तीन अननोन का काम करना है, बाइसेक्शन रेगुलर फोर्स इंटरसेप्शन, सिलेबस सामने में है, देखो ना यहाँ पर लिखा है कहीं जॉर्डन, नहीं लिखा हुआ इसीलिए नहीं पढ़ाएंगे, रहता तो बताते, नहीं है तो नहीं बताएंगे, मिटा दें इसको, ये वाला तो गया इधर वाला, लेफ्ट वाला नहीं हुआ, अच्छा लिखो आराम से लिखो,
यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कोई भी प्रॉब्लम दे देगा, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो जैकोबी से तब बनेगा ये मेथड जो हम पढ़ाएंगे अभी, वर्किंग रूल डेरिवेटिव जैसे करेंगे आगे और भी, जब इसका मॉडुलस एक्स का कोफिशिएंट होगा दोनों कोफिशिएंट से जोर से बड़ा होगा, हाँ ऐसा। इसमें जो दूसरा होगा बी का, वाई का जो कोफिशिएंट होगा दोनों कोफिशिएंट जोर से अधिक होगा, मॉडुलस में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेकर चलना दूंगा, क्योंकि मोड पहले लगा दिए हैं। इसमें जो होगा जेड कोफिशिएंट दोनों कोफिशिएंट जोर से अधिक होगा, तब इस प्रॉब्लम को हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले चेक करेंगे, देखेंगे, हाँ वो देखते पता चल जाएगा, वो आँख से देखते ही पता चल जाएगा कि इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, यही चीज रखना है ध्यान में, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे इटरेटिव टू में, इटरेटिव टू, इटरेटिव टू में हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन एक्स वन वाई वन जेड वन का मान निकल चुका है, निकल चुका है ना, तो पुट क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह एक्स वन पुट करेंगे, इसी इस सुन लो पहले एक मिनट, इसी इक्वेशन का यूज करके आगे पूरा काम करेंगे, यही तीनों इक्वेशन का यूज करके, एक्स वन वाई वन जेड वन निकल चुका है, अब सेकेंड इटरेटिव निकालना होगा ना, तो ये एक्स, ये एक्स वाई और जेड की जगह रखेंगे वाई वन जेड वन और एक्स की जगह रखेंगे एक्स वन, तो पुट एक्स बराबर एक्स वन वाई बराबर वाई वन एंड जेड बराबर जेड वन कहाँ पर, इंटू इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट, ठीक है ना, क्या कक जा रहा है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, इसके बाद क्या मिलेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट, अरे बंद करो ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या मिलेगा हमको, एक्स टू मिलेगा और वाई टू मिलेगा और क्या मिलेगा जेड टू मिलेगा, और फिर क्या करेंगे इस एक्स टू वाई टू जेड टू को इसमें रख करके एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री निकाल लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। तो इटरेटिव थर्ड, इटरेटिव थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, पुट x बराबर क्या पुट करेंगे x2, y बराबर क्या पुट करेंगे y2 एंड z बराबर z2 कहां पर, इनटू इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, थर्ड अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट क्या मिलेगा, x3, y3, z3, इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट करेंगे, अब जैसे यहाँ x1, y1, z1 वैल्यू निकला, यहाँ निकला इन तीनों, यहाँ निकला इन तीनों का, यदि ये इससे इससे मिल जाता है, इससे ये मिल जाता है, इससे ये मिल जाता है, तब यहीं रुक जाते, यदि देखेंगे इससे ये ये निकालें फिर ये निकाले, दोनों मैच नहीं कर रहा है, छोड़ देंगे, यदि मान लो x2 x1 का मिल गया, y2 y1 का मिल गया, लेकिन z2 z1 नहीं मिला है तो आगे बढ़ जाएंगे, तीनों का मिलना चाहिए, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड तीनों का यदि मिल रहा है ना, ऐसा कंडीशन जब आएगा तब रुकेंगे, वरना रुकना नहीं है, वो तो कह दिया है तब ना, सीधा कहेगा वैल्यू पता कीजिए ना तब ऐसा करना है, वो तो कह दिया तो अलग बात है, लेकिन हम रूल बता रहे हैं ऐसा काम कर, यदि क्वेश्चन चाचा ने खाली कर दिया सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फलना जो कोई मेथड कर देगा तुमको ये काम करना होगा, समझ में आया, इटरेशन का मतलब यही है कि हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट नहीं निकलता है, वैल्यू निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गॉस एलिमिनेशन पढ़े थे, वो सॉल्यूशन का डायरेक्ट मेथड है, यानी कि उसमें डायरेक्ट आंसर पता कर ले, इटरेशन उसमें हम लोग नहीं किए थे, इसमें और सीडल में इटरेशन करना पड़ता है, इसलिए लिखे हैं फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन थर्ड इटरेशन, अब क्या इटरेशन तक करना पड़ता है, कब तक करेंगे तो वही बला है, तीनों एक्स वाई जेड का क्रॉसपेंडिंग वैल्यू आपस में क्या ना मैच होना चाहिए, जब ऐसा मैच हो गया तो वहीं रुक जाएंगे, लिखेंगे फलना आंसर हो गया, लगातार मिले ऐसा भी हो सकता है जो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट से मिल सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कहीं से भी कहीं मिल सकता है,
जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़े थे ना बाइसेक्शन, उस समय कहीं से कहीं मिलता था, यहाँ भी कहीं से कहीं एक्स वजन का तीनों मिल रहा है तो वहाँ रुक जाना है, ये वर्किंग रूल हुआ, इसको स्टॉप करो। हाँ अब सवाल बताएंगे अलग में।